देखो अमित जी, अगर कोई भी कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम चालू कर रहा है, लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनको एक बार यहाँ सूरत विजिट करना चाहिए, यहाँ मेरी शॉप देखनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह से मेरे फैक्ट्री है, किस तरह से मिल है, किस तरह से साड़ी बन रही है, एक बार मेरे से मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बिजनेस छोटा है, आज अगर उनका छोटा बिजनेस है तो कल बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो यहाँ सूरत में आना जरूरी है। अगर आपको आगे बड़ा बनना है तो सूरत आना जरूरी है। अगर कोई भी बंदा, अगर मैं यूट्यूब या व्हाट्सएप पे अगर मैं फोटो या ये पिक्चर दिखाऊं तो लाइव उसको वो चीज नहीं मालूम पड़ेगी। यहाँ पे लाइव में उनको जो मजा आएगा ना खरीदी करने का, और उसके बाद यहाँ पे हमारे से मिलेंगे, हमारे से देखेंगे कि हमारे साथ उनको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है नहीं करना है, आदमी अच्छे नहीं अच्छे, यानी एक बार उनको आना जरूरी है। फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो भी चलेगा। तो मैं गारंटी देता हूँ कि कपड़े के बिजनेस में लाइफ में कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको लॉस हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। दोस्तों मैं सूरत में आया था, सूरत में मैंने YouTube पे भी देखा और काफ़ी इनका नाम सुना इंडिया में, पूरी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सुबूरी फैशन का काफ़ी बड़ा मैंने नाम सुना। एंड यहाँ पे हम अंदर भी चलेंगे, बट मैं आपको पहले बाहर का ओवरव्यू मैं दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए माल ऐसे पैक होके जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये माल निकला हुआ, यहाँ पे बंदे बैठे हुए जो काउंटिंग करते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऐसे पार्सल आपको लगेंगे, ये सभी जितना भी माल है यहाँ पे जाने के लिए रेडी है। मैंने अभी शॉप ओनर से पूछा नहीं, हम उनसे पूछेंगे कि सर मैं एक वीडियो बना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते, बिल भी यहाँ पे लगे हुए, मैं आपको दिखा दूँ। ऐसे ऐसे पार्सल आपको घर बैठे मिल जाएंगे अगर आप आओगे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा माल आपको देखने को मिलेगा। हम चलते हैं अंदर और पता करते हैं कि क्या वैरायटी क्या फैसिलिटी मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सभी माल जो है जाने वाला, तो यहाँ पे देख चेकिंग होने लग रही है और यहाँ पे बंदे बैठे हुए देखने लग रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सुबूरी फैशन के अंदर, क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी और कौन यहाँ पे बैठता है उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए तो चलिए चलते हम अंदर, और ये देखिए शायद ये शॉप के ओनर है, हम इनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, सर आप यहाँ के ओनर हो? सर मेरा नाम अमित है। और कैसे हो? बढ़िया सर। सर मैं एक्चुअली मैं मार्केट यूट्यूब बनाता हूँ, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि कैसे बिजनेस करें, कहाँ से क्या मिलता है, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने दिल्ली में सूरत में काफ़ी वीडियो बना रखी है। मैं सूरत आया था, सुबूरी फैशन का मैंने काफ़ी नाम सुना ऑल ओवर इंडिया में, और यूट्यूब पे भी मैंने काफ़ी नाम सुना सर। तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, तो अगर आपकी परमिशन हो। परमिशन तो बॉस आपने आधा तो ऐसे ही ले लिया, अभी परमिशन की क्या जरूरत है सर, फिर भी पूछना तो पड़ता ना सर। कोई कोई बात नहीं, हालांकि आपने देखे होंगे यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियो है और बहुत अच्छा रिजल्ट है, और आप जैसे यूट्यूबर भाइयों की वजह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। तो सर मैं ना अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे साड़ियाँ वैरायटी, कुर्ती, लेगिंग, जेगिंग, लहंगा कहाँ मिलेंगे बेस्ट टू बेस्ट, मैं उसी के लिए आपके पास आया था। तो सर कुछ गाइड कीजिए उनको। देखो गाइड्स करने से पहले मैं एक कस्टमर को एक चीज बोलना चाहता हूँ बॉस, आप कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो और सूरत आ रहे हो ना, तो सूरत आने से पहले एक आवश्यक सूचना है, यहाँ पे दलाल बहुत रहते हैं, जैसे ऑटो वाले हुए, होटल वाले हुए, जो सड़क पे फिरते हैं वो आपको मिस गाइड करेंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, सीधा सबूरी फैशन आना है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हुए स्क्रीन पे, उसको कॉल करना है। अगर कोई कारण सर कॉल व्यस्त है या नहीं लग रहा है तो मेरे एड्रेस पे सीधा आइए, और उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है, वो मैं सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अमित जी आप जैसे ये देख रहे हो, ये मेरा पूरा सैंपलिंग गोडाउन है, एक बार आप इसको नजर मार लो पूरा। सो ये सभी आपका सैंपलिंग गोडाउन है जी, ये जो देख रहे हो ये मेरे खाली डेमो गोडाउन से, यहाँ पे खाली सैंपलिंग रखे गए हुए, उसके बाद भी मैं आपको मेरा नीचे का मैं एक पूरा का पूरा जो गोडाउन है उसमें क्या क्या चीज है वो सारा दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या चीज रखी जाती है, किस तरह से सेल किया जाता है, और हम लोग किस तरह से कस्टमर को हेल्प करते हैं। एंड सर मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए कि वैरायटी क्या क्या मिल जाएगी। देखो कस्टमर को यहाँ पे एक बार आने के बाद वैरायटीज उनको सारी की सारी मिल जाएगी, जैसे प्रिंट साड़ीज हुई, वर्क साड़ीज हुई, कुर्तीज हुई, लहंगा हुआ, ड्रेस मटेरियल हुआ, मतलब सारी लेडीज का कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि उनको
नहीं मिलेगी, और जिसको भी नया चालू करना है उसको एक छत के नीचे पूरा का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा बॉस 100%। एंड सर मैं अगर बात करूँ, सूरत काफी बड़ी मंडी है और यहाँ पे मैंने कुछ दो चार वीडियो और बनाई सूरत में, right. और मैं YouTube पे भी देखता हूँ, right. सब बोलते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो सर उसके बारे में क्या हकीकत है सर सूरत की? देखो सूरत की हकीकत के आप मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं कुछ भी बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं। आप सुबह लाइव आ जाए मेरी फैक्ट्री देखे, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरे दुकान के बाहर कितने पार्सल लगे। ये पार्सल तो झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ के कस्टमर जो रेगुलर है वो झूठ नहीं बोल सकते। यानी देखो कस्टमर ऐसा, ये यूट्यूब ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों ने भी बना लिया तो उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने कस्टमर को पहले ही सलाह दी कि आप ये यूट्यूब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे ही आइए बॉस। बिल्कुल। एंड सर कुछ वैरायटी डिजाइन बता दीजिए। देखो अगर डिजाइन की अगर मैं बात करूँ अमित जी, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है लेकिन पॉसिबल नहीं कि मैं सारा कलेक्शन दिखा दूं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा कलेक्शन दिखाना चाहूंगा। ले छोटू पकड़ राज और सैंपल निकाल बेटा, ये देखिए सारे एक से एक सैंपल मिलेंगे बॉस, एक से एक सैंपल। यहाँ पे कस्टमर को कलेक्शन के साथ में बिजनेस किस तरह से किया जाता है वो भी अमित जी सिखाया जाएगा बॉस। एंड सर मैं अगर बात करूं, जैसे कुछ छोटी सी बिल्कुल फ्रेश होती है, इस बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है, तो उन्हें बिजनेस स्टार्ट कैसे करना चाहिए और कितने मार्जिन पे सेल करना चाहिए? मैं अगर बात करूं तो ये 2-3 सालों में यूट्यूब के माध्यम से ऐसे ऐसे कस्टमर आए हैं कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं। सम्राट भाई मैंने अभी नई शॉप चालू की है, मेरे को क्या करना है आप गाइडेंस कीजिए। तो बॉस अभी ये मैंने जो साड़ी पकड़ी है ये क्या रेट की है, कस्टमर को नहीं मालूम पड़ता है। 80% लोग ऐसे होते हैं कि सम्राट भाई अभी मेरे नया मैंने चालू किया है, हेल्प कीजिए। तो बॉस मैं बैठा हूँ यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए, और मैं कस्टमर को यही बोलता हूँ आपको पूरा का पूरा किस तरह से मैनेज करवाना है वो मेरी जवाबदारी, आपको क्या क्या चीज़ रखनी है, किस तरह से सेटअप करवाना है वो मेरी जवाबदारी है। और उसके बाद भी अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सेट नहीं हो पाऊँगा या मेरे को थोड़ी कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी अटक रही है तो मेरे को आप फ़ोन कीजिए, या तो यहाँ पे आने के बाद बोलिए कि मेरे को एक बंदे की ज़रूरत है तो 2-4-5 दिन के लिए मैं बंदे भी दे दूँगा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ चलेगी वो भी सेट कर दूँगा। अमित जी ठीक है। एंड सर मैं अगर बात करूँ, समटाइम फीमेल्स होती है, लेडीज होती है जो सूरत में नहीं आ पाती, उनको काफ़ी दूर पड़ता है क्योंकि सर सूरत हर कोई सूरत में नहीं आ सकता, अगर घर बैठे कुछ सामान लेना चाहे तो उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी? देखो अमित जी अगर कोई भी कस्टमर अगर फर्स्ट टाइम चालू कर रहा है, लेडीज हो या जेंट्स हो, तो उनको एक बार यहाँ सूरत विजिट करना चाहिए, यहाँ मेरी शॉप देखनी चाहिए, यहाँ पे किस तरह से मेरे फैक्ट्री है, किस तरह से मिल है, किस तरह से साड़ी बन रही है, एक बार मेरे से मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बिजनेस छोटा है, आज अगर उनका छोटा बिजनेस है तो कल बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो यहाँ सूरत में आना जरूरी है, अगर आपको आगे बड़ा बनना है तो सूरत आना जरूरी है। अगर कोई भी बंदा अगर मैं यूट्यूब या व्हाट्सएप पे अगर मैं फोटो या ये पिक्चर दिखाऊं तो लाइव उसको वो चीज नहीं मालूम पड़ेगी, यहाँ पे लाइव में उनको जो मजा आएगा ना खरीदी करने का, और उसके बाद यहाँ पे हमारे से मिलेंगे, हमारे से देखेंगे कि हमारे साथ उनको लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है नहीं करना है, आदमी अच्छे नहीं अच्छे, यानी एक बार उनको आना जरूरी है, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे तो भी चलेगा 100% अमित जी। तो देखो मैंने साड़ी का और कलेक्शन दिखाऊंगा आपको। कलेक्शन की अगर बात करो ना बॉस तो मेरे पास एक से एक कलेक्शन है अमित जी। ओके। एंड सर मैं अगर बात करूं आपकी साड़ी की रेंज कहां से स्टार्ट होगी? देखो मेरे पास प्रिंट साड़ी स्टार्ट है 105 से। ओके। और वर्क साड़ी स्टार्ट है 210 से। 210 से हाँ जी। और ये समझ ले मेरा माल यहाँ सूरत लोकल में भी सप्लाई होता है, जो यहाँ की सूरत की शॉप है छोटी छोटी शॉप, मैं उनको भी माल देता हूँ बॉस अमित जी। हाँ, तो सर वे तो आपसे ज्यादा, जैसे आप 100 में देते हो 120-130 में बेच रहे होंगे। 100% तो कस्टमर को मैं एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सीधा आप कहीं मत अटके, सीधा सबूरी फैशन में आ जाइए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे वैरायटी डिजाइन्स कलेक्शन काफ़ी मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट रहेगा आप दुकान पे आए,
स्क्रीन पे नंबर दिया होगा इनके पास, आप कॉल कीजिए। सर मैं अगर बात करूँ, जैसे कोई व्यूवर्स या ऑडियंस आती है सूरत में, तो सूरत में जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरती है, एयरपोर्ट पे उतरती है, तो वहाँ से आपकी दुकान कितनी दूर रहेगी? देखो यहाँ से 5 से 7 मिनट का रास्ता है, लेकिन उस पर स्क्रीन पे नंबर दिया गया लड़के को, आप 2-4 दिन पहले लड़के को बोल दो कि मैं ये डेट को आ रही हूँ भैया, अगर मेरे को एड्रेस मालूम नहीं तो आप आ जाइए, तो लड़का आ सकता है। अगर कुछ काम में हो तो नहीं आ सकता, लेकिन 99% वो आ ही जाएगा। आ ही जाएगा? हाँ आ ही जाएगा बॉस। ठीक है, और उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए तो नंबर दिए गए हुए बॉस, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। बिल्कुल हाँ जी। ये देखिए नेट का कलेक्शन है बॉस, ये आप जितना भी देख रहे हो पूरा का पूरा अलग अलग कलेक्शन है बॉस। अलग कलेक्शन? हाँ, है पूरा का पूरा अलग कलेक्शन है। ये देखिए अब पूरे और नीचे भी है सर आपका कलेक्शन। हाँ जी नीचे और फैक्ट्री भी है प्लस गोडाउन भी है। ये देखिए तो यहाँ से जायज रेट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, एक बारी आप आइए सबूरी फैशन पे। इनका रेट की जवाबदारी पूरी रहेगी, बिजनेस सेटअप करने की पूरी जवाबदारी रहेगी। मेरी एक थिंकिंग है कि किस तरह से कस्टमर को सेटअप करवाना है, किस तरह से उसको लॉन्ग टाइम तक मेरे को सेट करना है, वो मेरी जवाबदारी बॉस। मेरी ये थीम नहीं है कि कस्टमर को माल दे दिया बॉस, मेरी ये थीम है कि लॉन्ग टाइम तक उसको मैं कैसा सेटअप करूँ। ये आप और देख सकते हो, ये नेट साड़ीज है और बहुत सी हैवी कॉन्सेप्ट की साड़ियाँ हैं, अलग अलग पैटर्न में रखी गई है। लो बेटा पकड़ो। ओके एंड सर मैं अगर बात करूँ, जैसे किसी ने यहाँ से माल ले लिया, सम टाइम ऐसा सर कुछ सेट नहीं बिकते हैं, तो उसके लिए भी कोई फैसिलिटी रहेगी? देखो उसके लिए ऐसा है कि मेरे पास कोई ऐसा कलेक्शन होता ही नहीं है जो ना बिके, सब लेटेस्ट कलेक्शन आते हैं। फिर भी अगर कोई बचता है तो उसको रिप्लेसमेंट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम अगर कस्टमर ने बिजनेस चालू किया है ना अमित जी, तो कस्टमर जिस तरह से हेल्प चाहेगा ना, उस तरह से मैं सम्राट पूरा ये समझ लो कि मैं व्यापारी नहीं, मैं उनका घर का मेंबर हूँ, मैं भाई हूँ, पूरा का पूरा सेटअप करने की जवाबदारी, पूरा सपोर्ट करोगे आप? पूरा 100% हूँ, जिस तरह से बोलोगे उस तरह से मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? एक रीजन है, अगर 10 में से अगर 5-7 भी कस्टमर अगर सेटअप हुए ना, तो लाइफ में वो मेरे को याद करेंगे, या सम्राट भाई एक था, एक बंदा ऐसा था कि उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम इतना सपोर्ट किया, आज मैं स्टेप पे पहुंचा हूँ, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए बॉस। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये अमित जी मैं आपको एक सिल्क साड़ीज का एक डिपार्टमेंट बताऊँ, सिल्क में मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, ये देख सकते हो आप सिल्क में भी। ओके सिल्क में भी देखिए यहाँ पे, मतलब सर मैं अगर बात करूँ इंडिया से, अगर किसी भी स्टेट से, यूपी बिहार साउथ से, उनका सभी प्रकार का टेस्ट मिल जाएगा बॉस? पूरे इंडिया का ऐसा कोई टेस्ट नहीं जो मेरे पास नहीं मिलेगा, कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी बॉस। मेरा ऐसा यूं ही नहीं फैक्ट्री है, यूं ही नहीं इतना बड़ा एम्पायर। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे आपको हर प्रकार का, जैसी आपके वहाँ वैरायटी चलती है, और उसके बाद भी अगर कस्टमर कोई मोनोपोली बोलेगा सम्राट भाई मेरे को ये डिजाइन बनानी है, तो डिजाइन भी बन जाएगा। डिजाइन बनवा के दे दोगे? बनवा के दे दूंगा अमित जी। ओके ये देखिए, एक से एक पैटर्न मिलेंगे बॉस। बिल्कुल पैटर्न की अगर बात करूँ ना बॉस, पैटर्न्स डिजाइंस यहाँ पे आपको काफी मिलेंगे। अभी तो हम सिर्फ साइड में देख रहे हैं, लहंगा कुर्ती ड्रेस ये देखिए। बिल्कुल सर, बिजनेस चालू करने से पहले कस्टमर बहुत सोचे अमित भाई कि चालू करे नहीं करे, किस तरह से होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा। अरे यार इतना सारा आप अपने आप पे विचार करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे बॉस। बिल्कुल, मैं बैठा हूँ यहाँ, आइए आपकी जो भी तकलीफ है मेरे से पूछिए, आपको जो भी गाइड चाहिए मेरे को पूछिए, मैं गारंटी देता हूँ कि कपड़े के बिजनेस में लाइफ में कभी लॉस नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको लॉस हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ अमित जी। बिल्कुल सर, लेकिन आपको बिजनेस करना है तो डायरेक्ट मेरे से मिलिए, अगर नहीं भी परचेस करना है 5-10 मिनट का मेरे से टाइम लीजिए, किस तरह से आगे की प्लानिंग करनी वो भी लीजिए, जो आपको जिस तरह से पूछना है, जिस तरह से सवाल पूछना है बिजनेस के बारे में, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो 100% पूरे के पूरे फ्री में दूंगा, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे अमित जी। ठीक है आइए, मैं आपको और भी मैं नीचे लेके चलता हूँ, मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि अगर सारा डिपार्टमेंट अगर एक मैं दिखाऊं ना तो अपनी वीडियो समझ लो एक एक दो दो घंटे की, तो खाली एक एक डिपार्टमेंट की बनेगी। बिल्कुल सर। तो दोस्तों चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे का भी आपको इनका दिखा देते हैं शॉप का ओवरव्यू एंड कुछ वैरायटी भी दिखाने की ट्राई हम करेंगे।
तो चलिए देखिए अंकल। तो यहाँ पे देवी देख, तो यहाँ पे भी साड़ियों के काफी सारे कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सर यहाँ पे कुछ बताइए ऑडियंस को। ये अमित जी पहले आप यहाँ का पूरा एक व्यू ले लीजिए, ये मैं आपको इसके बारे में फिर और बताता हूँ क्या क्या चीजें। तो पहले मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सभी साड़ी के ही सैंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे साड़ी के सैंपल है और आई थिंक वहाँ पे ड्रेस मटेरियल है। यहाँ पे आपको कुर्ती ड्रेस मटेरियल सभी वेराइटी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा ये शोरूम है। एंड अब हम चलते हैं सर के पास, सर ही हमें बताएंगे, ज़्यादा जानकारी हमें वही देंगे। तो सर मैंने तो शोरूम तो नीचे का दिखा दिया, अब आप बताइए। देखिए उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्रिंट साड़ी थे बॉस, ये प्रिंट साड़ी थे अलग अलग यहाँ पे। ओके प्रिंट साड़ीज में मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है। ओके इसके बाद अगर लेस वाले की बात करूँ तो लेस वाले मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है। मीन्स कलेक्शन का तो भंडार ही मिलेगा 100%। लेस में भी एक से एक कलेक्शन है, प्रिंट में भी कलेक्शन है, कैटलॉग में भी कलेक्शन है, और उसके बाद ये इस टाइप का वर्क में भी आप देख सकते हो। वर्क में भी एक से एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ये पूरा के पूरे वर्क में पूरे कॉन्सेप्ट है बॉस। ये पकड़ो बेटा, वर्क में भी एक से एक कॉन्सेप्ट है। सो डिजाइन तो सर अगर सबसे बेस्ट का ऑडियंस दुकान पर आए और वैरायटी देखे। कलेक्शन यहाँ पे एक से एक मिलेंगे बॉस। बिल्कुल ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल क्लोथ से। ये देखिए वर्क में भी आपको काफी सारे डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पूरा हैंडवर्क है मुझे, पूरा हैंडवर्क। ये देखिए बिल्कुल सर। कलेक्शन की अगर बात करूँ तो बहुत सारा यहाँ पे कलेक्शन है। यहाँ पे इस साइड में आपको थोड़ा दिखा दूँ, इस साइड कुर्तीज और ड्रेस का पूरा का पूरा सेक्शन है। कुर्ती एंड ड्रेसेस का ये सभी देख सकते हो, कितने सारे यहाँ पे सैंपल आपको मिलेंगे। और उसके बाद ये ड्रेस मटेरियल से है। ओके ड्रेस मटेरियल, उसके बाद ड्रेस मटेरियल के जो कैटलॉग है वो है। ये कैटलॉग वैरायटी है, यानी पूरा का पूरा कलेक्शन एक छत के नीचे कस्टमर को मिल जाएगा अमित जी। और आपको और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर आपने पहले ही काफी अच्छी नॉलेज दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। नॉलेज की ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेरा वो काम है, मेरा वो फर्ज है, तो वो आवश्यक। और बहुत सारे मेरे पास नॉलेज है, बहुत सारा आइडिया, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं कि कस्टमर को मैं वीडियो में समझाऊं। कस्टमर को मैं बहुत सारा और भी कुछ यहाँ से, मतलब किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूला देना चाहूँगा। लेकिन कस्टमर को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप बिजनेस चालू करने का सोच रहे हो तो ज़्यादा लेट मत कीजिए, ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपके पास प्लानिंग है, कोई किस तरह से प्लानिंग है, कैसे प्लानिंग है, वो प्लानिंग करके सीधा सूरत आइए, मेरे को मिलिए। आपका बिजनेस किस तरह से सेटअप करवाना है वो मेरी जवाबदारी रहेगी। बिल्कुल अमित जी। एंड सर बस मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, जैसे कि सर सबका बजट सेम नहीं होता, अगर इसको कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो कम से कम कितना इन्वेस्ट करके कर सकता है? देखो अगर मैं बजट की बात करूँ ना बॉस, तो बजट का मेरे को कोई मायने नहीं रखता है। कम से कम 25,000 का बजट होना चाहिए, तो उसके बाद कस्टमर का तय करता है उसका बजट। किसी का 25,000 का होता है, किसी का 5,00,000 का होता है, किसी का 10,00,000 का होता है, किसी का 1,00,000 का भी होता है। तो बजट मेरे लिए कोई मायने नहीं है, लेकिन कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। 25 होना चाहिए, हाँ 25 तो होना चाहिए, जिससे एक वैरायटी बन जाए। हाँ एक वैरायटी, तो 25 के नीचे आप अगर ले जाओगे ना तो वैरायटीज नहीं बनेगी। तो इससे अच्छा भले आपको अगर बजट आपके पास नहीं हो रहा है तो 10-15 दिन और भले लेट हो जाइए, लेकिन उतना तो कम से कम रखिए, ताकि आपके पास भी कस्टमर वो कलेक्शन देखे और आपके पास भी रिपीट आए। बिल्कुल सर। तो सर आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू। ओके अमित जी। एंड मैं लास्ट में यही बोलूंगा अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को, कि अगर आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको सूरत आना होगा और सबूरी फैशन में आप आइए। स्क्रीन पे आपका नंबर दिया गया, आपको लास्ट बार यहाँ की वैरायटी डिजाइन शॉप का ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा, फिर भी वो कम पड़ने वाला मुझे पता। जब तक आप आओगे नहीं, विजिट नहीं करोगे, यहाँ पे मार्केट नहीं देखोगे, डायरेक्ट फैक्ट्री है का से माल यहाँ पे आता है और एक से बढ़कर एक कलेक्शन डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे अभी भी डीलिंग होने लग रही है, माल पैक होने लग रहा। ये देखिए माल की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं मिलेगी।